नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर, आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी लेखिका ममता कालिया जी। ममता कालिया जी का इंदौर से गहरा रिश्ता रहा है और ये संयोग की बात है कि मैं इन दिनों रविंद्र कालिया की पुस्तक गालिब छोटी शराब भी पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले चर्चा वहीं से शुरू करते हैं ममता जी की, जो गालिब छोटी शराब मैं पढ़ रहा हूँ इन दिनों, और उसमें कई स्थानों पर आपका बड़ा अच्छा जिक्र किया है रविंद्र जी ने, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? गालिब छोटी शराब रवि ने तब लिखा जब 1997 में उनका लिवर एनलार्ज हो गया था और उनके जितने भी परीक्षण किए गए मेडिकल, उन्हें पता चला कि उनके लिवर की स्थिति बहुत चिंताजनक है। तो वो अब रोज़ का जो लेते थे वो उसके लिए लगभग उनका बंद हो गया, और डॉक्टर ने कहा कि जो ये चेन स्मोकिंग आप करते हैं ये भी बहुत ख़तरनाक है और आपको धीरे धीरे सिगरेट से भी मुक्ति पानी चाहिए। तो हालांकि उनके तो जीवन की शैली में दोनों चीज़ें शामिल थी, तो उन्होंने अपने आप ही ऐसा सोचा, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। उन्होंने अपनी खाली शाम को भरने के लिए उन्होंने गालिब छोटी शराब लिखना शुरू किया, क्योंकि गालिब के इस शेर से वो बहुत मुतासर रहते थे कि गालिब छोटी शराब फिर भी कभी कभी पीता हूँ अब क्या शब है माता आपने जी जी। तो इस शेर को बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा एक डमी के ऊपर, और वो अपनी दुर्दशा और अपनी सारी नाकामी और अपने सारे मेडल्स जो हुए थे वो उन्होंने लिखे। उसमें मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित की वो ये थी कि ये आदमी जब पीता था तो मैं सोचती थी कि ये बेखबरी में करता जो कुछ कर रहा है, लेकिन उसे तो अक्षर अक्षर याद रहता था उसने क्या किया। जो वो गड़बड़ियाँ करता था, जो वो दूसरों के साथ लड़ाइयाँ मोल लेता था, वो सब उसे याद था। तो ये बात मुझे अपने आप में बहुत ही दिलचस्प लगी कि इसे कहते हैं अपने मतलब का बड़ा होश था दीवाने को। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने यहाँ चर्चा चली तो आपने कहा कि साहित्य को कुशास्त्र नहीं बनाया जाना चाहिए, और ख़ासकर हंस का आपने जिक्र किया है जो देह मुक्ति अंक था हंस का, तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि लेखन के नाम पर देखिए दो चीज़ें होती हैं, जैसे पुरुष को उसी तरह स्त्री को भी रिश्तों के सारी बारीकियाँ भी और सारी उसकी कमजोरियाँ, सारी दुर्बलताएँ और उसे सारी मधुरताएँ भी पता होती हैं। लेकिन एक लेखक का काम यह होता है कि जो सबको पता है उसको हर समय सामने लाना या उसी के बारे में लिखना वो बहुत बड़ा कला कौशल है। तो अगर किसी संपादक ने अपनी पत्रिका को लोकप्रिय बनाने के लिए देह मुक्ति का एक झंडा बुलंद किया और नारा बुलंद किया, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उसके शिकार बन जाएं और आप वैसी रचनाएं उसको देने लगी जैसे वो चाहता है। ये तो ऐसे हो गया ना कि किसी दर्जी के एक ख़ास किस्म के स्टाइल को अगर पसंद किया जा रहा है तो वो स्टाइल का होलसेल फैक्ट्री लगा लें। तो मुझे हमेशा ये लगा कि कम से कम मैं राजनीति के कहने पर उसकी फरमाइश पर कभी नहीं कहा, और मैं ये मानती हूँ कि लिखने में जितना प्रतिशत आपको बताना होता है उतना ही प्रतिशत ही छुपाना भी होता है, इसी को कलम कौशल कहते हैं। वर्तमान में जो लेखन महिला लेखन खासकर जो महिला लेखिका जो देश की लेखन कर रही हैं, तो आप उनको लेकर क्या सोचते हैं, उनके प्रति कितने आशान्वित हैं आप? इसमें कोई शक नहीं कि इस समय लेखन की दुनिया को सबसे ज़्यादा गुलजार महिलाओं ने ही कराता है, और इतनी तरह से इतनी किस्म की लेखिकाएँ आ रही हैं, एक तरह से स्त्री शक्ति का उबाल हमारे यहाँ लेखन के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है, उनकी त्वरा मुझे बहुत पसंद है, उनकी ऊर्जा बहुत पसंद है। मैं ये सोचती हूँ कि वो बहुत साहस भी रखती हैं, और उनके लिए भी लेकिन ये बहुत अच्छा एक माध्यम है कि वो जो वर्षों से चुप थी और जो अपना आदर्श मानती थी कि मैं चुप रहूँगी जैसी फिल्म बने और मैं तुमसे तेरे आंगन की जैसी फिल्म बने, वो आज ये कहती हैं कि मैं अपनी बात कहूँगी, अपने अपने साहस पर गर्व है। ये सब तो मुझे अच्छा लगता है, तो साहस के हद तक भी साहस अच्छा लगता है कुछ विषयों के बारे में। लेकिन मैं आज भी ये मानती हूँ कि लेखन में कम से कम सुरुचि को नहीं छोड़ना चाहिए,
बाजार पर चाहे कितना भी दबाव आपके ऊपर हो, लेकिन मुझे लगता है कि सुरुचि एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको एक लेखक को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कृति को ही कृति कहते हैं, विकृति को कृति कोई नहीं कहता। आपके समय पे धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, सरी की बड़ी बड़ी पत्रिकाएं थी, जो जिनका कि पूरा राष्ट्रव्यापी असर था और जिसमें कहानी छपने पर पूरे देश में प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन अब वो स्थिति तो बची नहीं हिंदी में। तो अब ऐसा नहीं लगता आपको कि लेखन के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ अभी रखती थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि माध्यम बदल जाता है, लेकिन अभिव्यक्ति फिर भी रहती है। ये ठीक है कि थोड़े कमतर अंदाज में रहती, क्योंकि आज जो न्यू मीडिया जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके इंटरनेट पोर्टल्स और फेसबुक और ब्लॉग और उसके अंतर्गत आप समझिए सारा ईमेल सिस्टम और ये सारा जो नया मीडिया, मैं इसे बहुत समझती नहीं, लेकिन मुझे ये आकर्षित करता है। मुझे लगता है कि लेखकों के लिए ये एक बहुत अच्छा मंच है। अब जो लेखक नहीं थे, इसे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, मैं भी कभी मुझे लगता है इसे एक प्रोग्राम होना चाहिए, मैं भी लेखक, क्योंकि फेसबुक में लिखने वाले बहुत से ऐसे हैं जिनकी एक भी किताब नहीं आई है, लेकिन वो लिखते हैं और बड़े धड़ल्ले से एक पेज लिख डालते हैं, और ये मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है। कई बार बड़ी अनटोल्ड स्टोरी कोई जब होती है वो हमें मिल जाती है उसमें पढ़ने पर, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल समझे कि जिसे कहते हैं जी कि एकदम निरावृत किस्म की संवेदना है, और वो आपके ऐसा लगता कई बार कि आपने कोई पिछली बार काम पकड़ लिया बिना दस्तानी पहने, ऐसा लगता है मुझे। तो और कई बार एक छोटी सी पोस्ट होती है वो बड़े असर डालते हैं। एक सवाल था कि आज जो लेखन की चुनौतियां हैं, जैसे मीटू अभियान चला है और ये भी एक लेखन का ही रूप माना जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको लेकर मीटू अभियान जो चला है, अच्छा हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। मीटू शुरू तभी देश में हुआ, लेकिन उसने बहुत जल्दी आग पकड़ ली हिंदुस्तान में, क्योंकि देखिए स्त्री ने सारी शिक्षा के बावजूद जब जब रोजगार के लिए कोशिश की, तब तक शोषण के रास्ते अचानक उसके सामने आ गए, और ये पता चला कि हर चीज़ की एक कीमत देनी होती है। और धीरे धीरे कुछ लोगों ने तो पश्चिम में ये मान लिया कि एक फ्री लंच होता ही नहीं है कहीं पर भी, और आप जो भी खाएंगे या जो भी आप करेंगे उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप रोजगार के क्षेत्र में हैं तो तब मुझे लगता है कि अगर उसका शारीरिक शोषण होता है लड़की का, और अगर आज उसकी स्मृति अभी भी उसको कष्ट दे रही है, अभी भी उस घाव के खुरंड मौजूद हैं, तो वो उस पर बोले ये उसका अधिकार है।